चलिए सीधा चलते हैं अपने संवाददाता ब्रजेश राजपूत के साथ, जो इस वक्त मेरे साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। ब्रजेश, इस घटना के बाद क्या किसी को अभी अरेस्ट किया गया है? नहीं, देखिए दरअसल ये मुरैना में जो पत्थरों का अवैध खदान होता है, ये उनकी उसी टाइप की हरकत होते हैं। ये लोग जब पुलिस पकड़ने आती है तो पूरा जो उनके पास पत्थर होता है या जो रेत होती है, इस बुरे तरीके से सड़क पर बिखेर के आतंकित करने की कोशिश की जाती है। आपने वीडियो में देखा कि इतने बुरे तरीके से सारे पत्थर सड़क पर गिरा दिए जाते हैं, तो पीछा करने वाले जो वाहन होते हैं आमतौर पर पीछे रह जाते हैं। एक आतंकी की कार्रवाई होती है और ये बड़े बेखौफ होकर सारे काम करते हैं। पुलिस अभी तक पुलिस ने 3 ट्रैक्टर ट्राली की धरपकड़ की है और जो ये वाली संबंधित ट्राली है इसकी भी इसको भी पकड़ लिया गया है। कुछ लोगों को गिरफ्तार भी किया गया है, मगर ये वो घटना है जो कैमरे में कैद हुई है। मगर अक्सर घटनाएं वहाँ होती रहती है, चाहे रेत हो चाहे पत्थर के अवैध परिवहन करने वाले लोग हो, जब भी वो देखते हैं पुलिस छापा बने आ रही है, पूरा अपना ट्रैक्टर ट्रॉली का जो ट्रॉली की मदद से पूरा रेत और पत्थर 20 से गिरा के भाग जाते हैं और सामने जो पीछा करने वाले लोग हैं उनको पास आना मुश्किल हो जाता है। बहुत खतरनाक तरीके से इस पूरी घटना को अंजाम देते हैं जिसमें कभी भी बड़ी दुर्घटना हो सकती है। मगर घटना बता रही है कि किस तरीके से अवैध पत्थर और रेत परिवहन करने वालों के हौसले किस कदर बुलंद होते हैं। बिल्कुल, और खनन माफिया के खिलाफ इस वक्त सख्ती से कार्रवाई की आवश्यकता है। बहुत बहुत शुक्रिया ब्रजेश इस तमाम जानकारी के लिए। ABP News आपको रखे आगे।